आइए कुछ सवाल से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ प्रक्षेप के आंकिक प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रक्षेप में जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूछा जाता है उड्डयन काल, यानी टी कितना होगा, कितने समय तक वो प्रक्षेप्य जो कण है वो उड़ा। इसका सूत्र है 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। दूसरा है अधिकतम ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक वो गया। जब हम प्रक्षेप्य कण को लेते हैं तो वो इस तरह से एक्स वाई अक्ष पर, तो ये यहां से यहां तक ये जो पथ होता है प्रक्षेप्य का, यहां पर ये जो हाइट है ये हाइट कहलाएगी अधिकतम ऊंचाई h। ये कितनी होगी ये यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे। h इज इक्वल टू u² sin²θ/2g। और क्षितिज परास, ये यहां से कण उड़ा और यहां पहुंचा, तो ये x अक्ष पर इसने अधिकतम दूरी जो तय करी इसको r से डिनोट करते हैं और ये कहलाती है क्षितिज परास r। इसमें ये जो क्षितिज के साथ जिस कोण के साथ फेंका जाता है इस कोण को हम कहते हैं थीटा, और ये कोण जो होता है ये कोण कहलाता है प्रक्षेप्य का कोण। अब हम बात करते हैं इसमें सभी सूत्रों में कौन कौन से नोटेशन यूज किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यू, यू है प्रारंभिक वेग जिस वेग से कण को फेंका गया। थीटा प्रक्षेप्य का कोण है जिस कोण से प्रक्षेप्य को क्षितिज के साथ बनाकर फेंका गया है, और जी गुरुत्वीय त्वरण है। बहुत सारे प्रश्नों में, आंकिक प्रश्नों में, प्रश्न के अंदर ही जी का मान दे दिया जाता है और उसी के आधार पर हमको सवालों को हल करना होता है। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल आंकिक उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा एक प्रश्न है, एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षितिज से 30 के कोण पर, क्षितिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, गेंद का उड्डयन काल क्या होगा बताओ, क्षितिज परास क्या होगा निकाल के बताओ, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी ये ज्ञात करो, जबकि जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर क्या क्या दिया है, यू दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग उसका, थीटा 30 डिग्री है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। ज्ञात करना है उड्डयन काल, तो उड्डयन काल का सूत्र लिखा हमने, उड्डयन काल टी बराबर 2u sin θ/g। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं अपन, 2 × u, u की वैल्यू है 20 इंटू साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देते हैं, अपॉन जी है 10 इज इक्वल टू 2 × 20 × sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2/10 इज इक्वल टू 2 × 20 × 1/2, और ये 10 ऐसा कैसा है, 10 से इसको काटा ये हो गया 2, 2 से 2 कट गया आया उत्तर 2 सेकंड। यानी उड्डयन काल जो है इस गेंद का 2 सेकंड होगा। अब हम बात करते हैं क्षितिज परास आर निकालने की, आर है u² sin²θ/g, वैल्यू इसमें यू थीटा और जी की वैल्यू यहां पुटअप करते हैं, यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर इंटू साइन 2 × 30 अपॉन आपका जी है, जी की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू, देखो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इंटू साइन 60 अपॉन 10, 2 × 30 तो ये हो गया साइन 60 इज इक्वल टू 400 इंटू साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और नीचे आपका है 10, 10 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 40, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी उत्तर आया 20√3 मीटर। ये उत्तर हो गया इसका, क्षितिज परास आर कितनी हो गई 20√3 मीटर, कितने दूर जाकर गिरेगा ये हो गया 20√3। तीसरा है अधिकतम ऊंचाई h, कितनी ऊंचाई तक कण जाएगा इज इक्वल टू u² यानी 20 का स्क्वायर, यू दे रखा है यहां पर 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन
टू इंटू टेन इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 इंटू 1 अपॉन 2 साइन 30 का मान 1/2 साइन स्क्वायर 30 का 1/2 और उसका स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, इज इक्वल टू 400 इंटू 1 अपॉन 4 स्क्वायर है तो ये 1 अपॉन 4 हो गया, नीचे आपका ऑलरेडी 20 है, 2 इंटू 10 इंटू ये ऊपर वाला 4 आया है, ये एक जीरो से एक जीरो काट दो, 4 10 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये उत्तर आया आपका 5 मीटर। यानी इस गेंद की अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर होगी, क्षितिज परास 20√3 मीटर होगी और टाइम होगा 2 सेकंड। एक और प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं हम, क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए फेंकी जाती है, यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है? नंबर एक, गेंद का उड्डयन काल यानी टी निकालना है, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एच, क्षितिज परास आर, और एक और चीज पूछी है, पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग व दिशा क्या होगी। आइए एक के बाद एक समझने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड, कोण प्रक्षेप का 30 डिग्री और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमने लिखा t इज इक्वल टू यू 2u साइन थीटा अपॉन g, ये t का टाइम मान है, यहां पर इज इक्वल टू 2 इंटू यू 15 इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इंटू 1/2 और बटे में आपका 10 है इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया 15 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। ये हो गया इस गेंद का उड्डयन काल। अब बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई h निकालने की बात करते हैं, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर साइन स्क्वायर किसका 30 डिग्री का अपॉन 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर है 225 इंटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 यह हो जाएगा 225 इंटू 1/4 और इधर है 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 225 बटे 10 चौक 40 दूनी 80। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 2.81 मीटर। ये वैल्यू हो गई अधिकतम ऊंचाई की। अब हम बात करते हैं प्रश्न का चौथा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, क्षितिज परास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। वैल्यू रखते हैं u स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 10 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर है 225 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन 10 इज इक्वल टू 225 इंटू √3 अपॉन 2 और अपॉन में है 10 इज इक्वल टू 225 √3/20। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 19.5 मीटर। ये हुई इसकी क्षितिज परास, ये वाली डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक आर।
ठीक है। चौथा भाग पूछा गया था कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग और दिशा क्या होगी, तो पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग व दिशा वही होगी जो फेंकते समय थी, अर्थात 36 से 30 डिग्री के कोण पर ही वो पृथ्वी पर टकराएगी और वेग भी होगा 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन चूंकि पृथ्वी यहां पर टकरा रही है तब उसका वेग नीचे की ओर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को जरूर बताएं। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अगर पसंद आया हो तो ओके।